कर देता हूं, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीई इसका एरिया, दूसरा डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ द स्क्वायर ये हो गया इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑन वन साइड ऑफ इट्स डायगोनल, कि ये जो एरिया है ट्रायंगल का ये आधा होना चाहिए किसके एरिया के, इस वाले एरिया की, ये जो दूसरा ट्रायंगल हमने बनाया इसके एरिया की। ऐसा कुछ, ठीक है, ये पार्ट बना। ये पार्ट हुआ, तो ये दो ट्रायंगल मेरे पास आ गए, तो मुझे ये प्रूफ करना है कि जो हरा वाला ट्रायंगल है वो आधा है इसके एरिया के, रेड वाले ट्रायंगल के एरिया। तो शुरू करते हैं इस पार्ट को, कि सबसे पहले तो मैं लेट कर लेता हूं यहां एबीसीडी इज स्क्वायर, एबीसीडी इज स्क्वायर एंड देयरफॉर इट्स डायगोनल, डायगोनल हम निकाल सकते हैं अगर ये स्क्वायर है, इसकी साइड लेट सपोज ए रहेगी, और अगर साइड ए रहती है इन दोनों पार्ट्स की, तो यहाँ डायगोनल कितना आता है पाइथागोरस थ्योरम से, रूट टू टाइम्स ऑफ ए, ये हम जानते हैं कि अगर हम निकालना चाहें डायगोनल, तो यहाँ जाएगा मेरे पास ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर, साइड ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर, तो यहाँ जाएगा मेरे पास बी डी स्क्वायर, इट इज ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, so BD is equal to root 2 times of A, ये पार्ट मेरे पास आ रहा है। अब इतना पार्ट आने के बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल इन्होंने हमें दिया हुआ है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं सारे, मतलब एंगल यहाँ पे 60 डिग्री है, तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन में आ जाएंगे बाय एंगल एंगल एंगल, क्योंकि ट्रायंगल AEB एंड ट्रायंगल DBF आर इक्विलेटरल एंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये तीनों हमें दोनों पार्ट हमें दे रखे, तो इनके तीनों कॉर्नर 60 डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के होंगे तो हम बोल सकते हैं ना कि ट्रायंगल AEB सिमिलर है ट्रायंगल DBF के बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन से, तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन से तीनों पार्ट हमारे इक्वल होंगे। दूसरा पोर्शन, अब मैं यहां पर एरिया लेना चाहता हूं जो मुझे निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE ग्रीन वाला ट्रायंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBF, ये हमने लिखा, और अब हम इसकी साइडें प्रोपोर्शनल कर सकते हैं, कैसे देखना, देखो ये बेस ये साइड, इस वाले ट्रायंगल का बेस ये है ना AB, तो ABE ट्रायंगल का बेस ले लिया AB इसका स्क्वायर, और ये दैट वाले ट्रायंगल का बेस क्या है DB, अब मतलब आपको समझ में आएगा कि BD क्यों निकाला था, ये आ गया मेरे पास BD, बहुत आसान हो गया क्वेश्चन यार, AB की लेंथ कितनी है A, ये आ गया A स्क्वायर, BD की लेंथ कितनी है रूट टू टाइम्स ऑफ A का स्क्वायर, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBF, ये पॉइंट मैंने ले लिया, सो A स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर, A स्क्वायर से एक स्क्वायर कट गया एंड यहां पर आ गया मेरे पास 1/2, तो यहां पर एरिया मेरे पास आ गया 1/2, जो मुझे प्रूफ करना था कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE है वो आधा है एरिया ऑफ ट्रायंगल DBF के, यही प्रूफ करना था ना, हेंस प्रूफ फिनिश। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है।